नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में गरीब मजदूरों और सफाई कर्मियों को अब पैसों के अभाव के चलते भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यहां गरीबों और मजदूरों के लिए मात्र 15 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था शुरू की गई है। उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि अब शहर के 20 जगहों पर भोजनालय खोल दिया गया है। इसका उद्घाटन हाल ही में मेयर सीता साहू ने किया, जिसके तहत मेयर सीता साहू ने कहा कि शहर में आने वाले जरूरतमंदों, दैनिक मजदूर, सफाई कर्मचारी, रिक्शा ठेला चालकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलने से उनके खर्च में कमी आएगी, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ऐसे लोग ही कुछ बचत कर पाएंगे। इसको लेकर निगम की तरफ से शहर में 20 जगहों पर ये व्यवस्था होगी। इसमें पटना नगर निगम के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र नगर टर्मिनल, बस स्टैंड के साथ साथ शहर के कई प्रमुख हिस्सों को शामिल किया गया है, जो कि संस्था भामाशाह फाउंडेशन की तरफ से जगह का चयन किया गया था। गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक के पास 15 रुपए में भी गुणवत्तापूर्ण भोजन की थाली योजना के उद्घाटन के अवसर पर मेयर सीता साहू ने चखी। इस दौरान उनके साथ मेयर, डिप्टी मेयर और निगम के अधिकारी ने भोजन का स्वाद चखा। ज्ञात हो, गरीब मजदूर और सफाई कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गायघाट स्थित नव निर्मित रैन बसेरा से इस योजना की शुरुआत हुई थी। वहां भी भामाशाह फाउंडेशन की तरफ से 15 रुपए में भोजन की थाली परोसी जा रही है। इसमें दिन में चावल, दाल, सब्जी, भुजिया और अचार मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह पहला मौका नहीं है जब बिहार में मात्र 15 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था की गई है। अभी से पहले भी इस तरीके की व्यवस्था बिहार में की गई थी, जिसके तहत ही पटना नगर निगम के गायघाट स्थित नवनिर्मित रैन बसेरा से महापौर सीता साहू और अपर नगर आयुक्त योजना एवं सफाई और स्थायी समिति के सदस्यों ने विधिवत उद्घाटन कुछ महीने पहले ही किया था, जिसके बाद अब बिहार के पटना शहर में खाना खाने के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं करना होगा, बल्कि मात्र 15 रुपए में ही अब आपका खाना हो पाएगा, जो कि उन लोगों के लिए एक वरदान है जो खाने पीने के लिए सोचते विचारते हैं, लेकिन अब वो आराम से खाना खा सकते हैं। दैनिक मजदूरों की कमाई सीमित ही होती है, ऐसे में उन्हें खाने के लिए कम पैसे खर्चने हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।